नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ योजना जनवरी एडिशन 2018 का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग रिफॉर्म्स और रेगुलेटिंग दी बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो आज वाला ये लेक्चर है, इसमें हम पुराने लेक्चर या जो पुराना टॉपिक था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो योजना जनवरी मंथ का एडिशन था इसमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन किया गया है, टॉपिक्स कवर किए गए हैं। जो भी प्रेजेंट डे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं या इश्यूज हैं, जैसे एनपीए का इश्यू हो गया या फिर रेगुलेशन से रिलेटेड इश्यूज हो गए या फाइनेंशियल इंक्लूशन से रिलेटेड इश्यू हो गए, तो वो सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो जनवरी महीने की योजना समरी थी, योजना मैगजीन थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी इसका। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एंड स्पेशली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। और बाकी के भी जितने हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो बाकी किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एसबीआई या फिर एसएससी के लिए, तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स वो यूपीएससी से ही अलाइन होते जा रहे हैं। तो सबका जो पैटर्न है वो रोल है सेम ही होता जा रहा है, सब में मेंस राइटिंग का के ऊपर भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो इसीलिए आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा योजना मैगजीन की लेक्चर सीरीज में 26 वीडियो है और इसमें हम लोग जनवरी मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने बात की थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम दो आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पहला है मैनेजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा मैंने कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए मैंने कुछ अलग से आर्टिकल इंक्लूड किए हैं, जैसे कि बेसल नॉर्म्स के ऊपर। और उसके अलावा एक और मैंने आर्टिकल, जैसे कि जो आपका कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, वो ये दो आर्टिकल मैंने इंक्लूड किए हुए हैं एक्स्ट्रा, जो कि योजना में नहीं है बट जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, फॉर इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू मैंने ये दो आर्टिकल और इंक्लूड किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेसल थर्ड नॉर्म्स इन इंडिया, ये बेसल नॉर्म्स हैं क्या। बेसल नॉर्म्स क्या है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड लेवल पे एक कमेटी बनाई गई या एक ग्रुप बनाया गया वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कंट्रीज हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी टीम इसमें बैठती है और वो डिसाइड करती है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी स्मूथ और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, प्लस एफिशिएंसी मेंटेन रहे, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे और कोई फेलियर ना आए, तो इसके लिए बेसल नॉर्म्स का निर्माण हुआ था, ठीक है। अच्छा तो ये कब से आया था पिक्चर में, ये तो आया जब 2007-08 में सबप्राइम क्राइसिस हुई थी यूएसए में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सबप्राइम क्राइसिस आई तो ऐसी क्राइसिस फ्यूचर में ना हो उसके लिए बेसल नॉर्म्स को डिजाइन किया गया। इसमें क्या है, सेफ लेंडिंग नॉर्म्स बताए जाते हैं, ठीक है, सो दैट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। और ये जो रेगुलेशंस है बैंकिंग रेगुलेशन वो एक तरीके से कॉमन है, मतलब इन रेगुलेशंस को सारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, बड़ी कंट्रीज है, वो सब इनको फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा बेसल वन वाले जो नॉर्म्स थे, अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो प्रेजेंट में नॉर्म्स अभी फॉलो कर रही है कंट्रीज वो है बेसल थर्ड नॉर्म्स। तो जो बेसल वन नॉर्म्स थे वो उनमें क्या दिक्कत थी, पहली बात तो जो उनमें अप्रोच यूज की गई थी वो थी वन साइज की, मतलब वो सारी जो भी इश्यूज थे उनको एक ही कंसिडर कर रहे थे, तो जो उनकी अप्रोच थी वो काफी रिजिड थी जो कि फिजिबल नहीं थी और इसीलिए उसको अप्लाई करने में या उसको कंप्लाई करने में काफी इश्यू था। तो इसलिए एक तो दिक्कत उनमें ये थी और दूसरी उसमें जो रिस्क सेंसिटिविटी थी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। अच्छा ये जो बेसल नॉर्म्स होते हैं वो होते क्या हैं, जैसे उसमें बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है वो अपना बैंक स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इस बैंक को अपना जो पूरा इनको कैपिटल होगा फॉर एग्जाम्पल या फिर जो इनका बिजनेस है या टर्नओवर है अगर मान लीजिए 100 करोड़ का है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ये बताया जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि उनको कम से कम इतना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं रिस्क एनालिसिस पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है बैंक क्या काम करते हैं, वो एक तरफ से डिपॉजिट लेते हैं और दूसरी तरफ लोन देते हैं, ठीक है ना, तो जो वो ये लोन देते हैं लोन कहलाते हैं बैंक के एसेट्स। अब ये जो बैंक के एसेट्स हैं इनके संग कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल लोन किन किन चीजों के लिए दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ठीक है ना, तो ये जो लोन होते हैं इन सारे लोन्स के संग कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए से 50% है, ठीक है, प्लस पर्सनल लोन में 10% है, कार लोन में 20% रिस्क एसोसिएटेड है और होम लोन में से अगेन 5% एसोसिएटेड है। तो वो जितना भी लोन इसमें देंगे उसका 5% उनको अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी उनका कैपिटल होगा। अब एक बैंक का कैपिटल तीन टीयर में डिवाइडेड रहता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है,
जो टीयर वन वाला कैपिटल है वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जो ओनर है या प्रमोटर है बैंक का उसी का कैपिटल समझ लो, ठीक है। टीयर टू में क्या हो गया, जो भी कंपनी की जो लिक्विड एसेट्स हैं जिनको आसानी से लिक्विड किया जा सकता है, और टीयर थ्री वाला हो जाता है थोड़ा सा जो लिटिल लेस लिक्विड वाले एसेट्स, ठीक है। तो इन फॉर्म में बैंक को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें जो बेसल वन के नॉर्म्स थे और जो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बताया गया था उसमें रिस्क सेंसिटिविटी को यू नो उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, तो इसकी ये दिक्कत थी। फिर उसके बाद आया बेसल टू नॉर्म्स जिसमें बताया गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 8% अगेंस्ट दी रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अब आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप उससे आप मुझे ये कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। अब ये जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं इनकी रिस्क किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, एक क्रेडिट के बेसिस पे प्लस मार्केट मार्केट साइज कितनी है उस जो भी आप क्रेडिट दे रहे हो उसकी, प्लस ऑपरेशनल रिस्क कितनी है। तो इन तीन बेसिस पे रिस्क वेटेड एसेट्स की रिस्क को एनालाइज किया जाता है या यू नो कंप्यूट किया जाता है। अच्छा, प्लस जो ये बेसल के नॉर्म्स हैं इनके तीन पिलर्स होते हैं, एक तो मिनिमम आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी और क्या फॉलो करना होगा, प्लस मार्केट डिसिप्लिन कैसे रखना होगा। तो ये कुछ है तीन पिलर्स बेसल नॉर्म्स के। अब आगे चलते हैं, जो क्रिटिसिज्म है आपके बेसल नॉर्म्स के उनकी कुछ क्रिटिसिज्म है क्या है। जब देखिए ये जो बेसल नॉर्म्स आए थे वो इसलिए आए थे कि क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस टाइप की क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इनकी जो इश्यूज हैं वो क्या है, एक तो ये प्रोसाइक्लिकल हैं, दूसरे एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन गवर्निंग लेवरेजेस, और ये तो इनके मेन सबसे बड़े इश्यूज हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोसाइक्लिकल वाली क्रिटिसिज्म है क्या। सबसे पहली दिक्कत इसमें है पहला वाला जो सबसे पहला इशू है कि क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई भी ऐसे रिसेशन वगैरह वाला पीरियड नहीं चल रहा है तो उस टाइम पे इसने कोई भी एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई भी जो इस टाइप का क्राइटेरिया होगा वो तो इम्पोज किया नहीं, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही क्राइसिस आई और उन्होंने बैंक को बोला कि आपको अब और कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत पड़ी उनको तो उससे क्या हुआ, क्रेडिट फ्लो कम हो गया, और जब क्रेडिट फ्लो कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल सिस्टम को हर्ट पहुंचा और फिर उसकी वजह से रिसेशन आ गया। तो इसीलिए बोले जाते हैं ये यार प्रोसाइक्लिकल। प्रोसाइक्लिकल का मतलब जो रिसेशन आ रहा था वो रिसेशन और ज्यादा इनकी वजह से और ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी इकोनॉमी में पैसे की कमी थी, लेकिन बाद में ये बेसल नॉर्म जब इम्पोज किए गए तो ऐसा बोला गया कि आपको पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल 8%। जब वो इतना पैसा लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इकोनॉमी में पैसे की कमी हो गई थी, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है दे आर प्रो साइक्लिकल। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन गवर्निंग लेवरेज, मतलब कि जो रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट थी ना वो अपने आप ही ये जो रिस्क है उसको मैनेज नहीं कर सकते थे। मतलब इन्होंने ये नहीं इसमें कंसीडर किया कि जो लिक्विडिटी रिस्क होगी एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेगुलेशन दिस लेड टू द सॉल्वेंसी रिस्क, ठीक है। मोर फोकस ऑन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इग्नोरिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन। मतलब बस इसमें इन लोगों ने यह फोकस किया कि मतलब जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या SBI है, तो सिर्फ ये इंडिविजुअल बैंक को टारगेट कर रहे थे, ना कि ये टारगेट करें कि इस कंप्लीट चेन को, क्योंकि चेन में क्या होता है अगर मान लीजिए एक बैंक फेल होता है तो उसकी वजह से तो लोगों का ट्रस्ट कम खत्म होगा और फिर बाकी सारे के सारे लोग कहां जाएंगे, बाकी सारे बैंकों पे जाएंगे। तो इस वाली जो ये जो बेसल नॉर्म्स है इन लोगों ने जो इंटरकनेक्टेडनेस मेंटेन की जाती है इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल मार्केट्स में उसको एनालाइज नहीं किया था। बाकी ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि जो लिक्विडिटी रिस्क होती है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेगुलेशन इसको कंसीडर नहीं किया कि जो लिक्विडिटी की वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल बैंकों के पास जो पैसा होता है डिपॉजिट होता है वो लिक्विडिटी के टर्म्स में तो होता नहीं है, तो इन्होंने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के ऊपर कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने बोला कि आपको इतना कैपिटल मेंटेन करना होगा, लेकिन क्या वो कैपिटल लिक्विड होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से सॉल्वेंसी जो है मतलब जो बैंकों की मतलब लेजिटिमेसी है वो रिस्क खतरे में आ गई थी, ठीक है। उसके अलावा जैसे इन लोगों ने ये सोचा था कि क्या कहते हैं जैसे रिस्क बेस्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसको बता देते हैं तो अपने आप ही रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, पर इसकी वजह से क्या हुआ कि वो क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये चार क्रिटिसिज्म है जो बेसल नॉर्म्स टू के लिए क्रिटिसिज्म दिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4। पहली बात प्रोसाइक्लिकल, दूसरा जो एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, तीसरा लिक्विडिटी वाला इशू, और चौथा हो गया आपका इंटरकनेक्टेडनेस को इन लोगों ने क्या कहते हैं फैक्टर इन नहीं किया था।
फिर आते हैं बेसल थर्ड नॉर्म। अब जो ये बेसल थर्ड नॉर्म्स हैं वो क्या है, बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए आए थे। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक तो पहली बात ग्लोबल कैपिटल को स्ट्रेंथन करना था, और दूसरा जो लिक्विडिटी रेगुलेशंस थे वो, अब इससे पहले क्या लिक्विडिटी को वो रेगुलेट नहीं कर रहे थे तो अब लिक्विडिटी को भी रेगुलेट करने लगे, ठीक है। प्लस इसके अलावा वो बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे, सो दैट वो कोई भी शॉक आता है इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल की वजह से आए या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस आए। तो ये दो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो बैंकिंग सेक्टर को इतना इंप्रूव कर दो कि वो सेल्फ एब्जॉर्ब कर ले शॉक को, और दूसरा लिक्विडिटी को भी रेगुलेट करने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें की गई, पहली बात तो कैपिटल की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो कैपिटल होगा वो किस टाइप का होगा। तो इसी के बाद जो कैपिटल होता है ना, बैंक का कैपिटल, उसको तीन टीयर्स में बांट दिया, टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री, जो मैंने आपको बात बताई। तो इस तरीके से वो टीयर को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि आप इस वाले टीयर में इतना आप मेंटेन करोगे, इस टीयर में इतना मेंटेन करोगे और इसमें इतना। प्लस इसके अलावा लिक्विडिटी स्टैंडर्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए कि भले ही आपका कैपिटल तो 100 करोड़ का है, आपने 100 करोड़ की बिल्डिंग बना के रख ली है, लेकिन अब पहले बस ये बोला जाता था कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस करने के लिए, मतलब बैंक का जो बिजनेस कर रहे हो आप उसके लिए कितना कैपिटल रिक्वायर होगा। लेकिन अब इसमें ये भी बताने लगे जो कैपिटल होगा उसका फॉर्म कैसा होगा, कि वो कैश के फॉर्म में होगा या फिर क्या कहते हैं बॉन्ड्स के फॉर्म में होगा, इक्विटी के फॉर्म में होगा या फिर शेयर्स के फॉर्म में होगा, तो किस फॉर्म में होगा, ये इसमें लिक्विडिटी के स्टैंडर्ड्स बता दिए जो बेसल थ्री नॉर्म्स थे। उसके अलावा प्रोविजनिंग के भी नॉर्म्स बता दिए कि अगर मान लीजिए आपका एनपीए हो जाता है तो आपको कितना कितना अमाउंट, कितना कैपिटल की प्रोविजनिंग करनी होगी। प्लस लेवरेज रेशियो का भी इंट्रोडक्शन कर दिया कि आप कितना मनी, मतलब लेवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कितने रुपए आपके पास हैं और आप कितने का बिजनेस कर रहे हो, तो आप कितना लेवरेज कर सकते हो, मतलब आपकी औकात है सिर्फ मान लीजिए 1 लाख की और आप जो क्या कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो 4 लाख का, तो इस टाइप को इसको बोला जाता है लेवरेज। तो इसमें लेवरेज रेशियो भी बता दिया। तो इस तरीके से जो बेसल थ्री नॉर्म्स थे उसमें इंप्रूवमेंट किया गया ओवर दी बेसल टू नॉर्म्स, ठीक है। अब बेसल थ्री नॉर्म्स के जो पिलर हैं उसमें हम देख लेते हैं इसके क्या पिलर हैं। जैसे हमने बेसल टू के नॉर्म्स देखे थे उसमें तीन पिलर थे, इसके क्या पिलर हैं, एक तो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन दी रिस्क वेटेड एसेट, ये तो सेम है, मेंटेनिंग कैपिटल, कितना कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, सुपरवाइजरी प्रोसेस कैसी होगी ये भी बता दिया इसमें, प्लस रेगुलेटरी टूल्स और फ्रेमवर्क्स किस टाइप के रहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी टाइप की कोई रिस्क आ जाती है, एनपीए बढ़ जाता है बैंक का या फिर मान लीजिए लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है तो उस टाइम पे कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे बैंक। प्लस मार्केट डिसिप्लिन किस तरीके का रहेगा कि आपको किस तरीके की जो स्कीम्स वगैरह है रन करनी है, तो मार्केट डिसिप्लिन की बात आ गई इसमें, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे तो उसके लिए जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या है एक तरीके से बैंकों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना उसके लिए होता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस की गई इसमें। तो ये इसके कुछ पिलर्स हैं, कितने हैं टोटल, ये 6 पिलर्स हैं जिनके ऊपर बेसल थ्री नॉर्म्स बेस्ड है। अच्छा, अब इंडिया के केस में बात की जाए बेसल थ्री नॉर्म्स की, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो हायर है, 9% उसको मेंटेन किया जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए इंडिया में कोई बैंक है जो 100 करोड़ का टर्नओवर रखता है तो उसको कम से कम 9% का कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जो कैपिटल मेंटेन करना है वो सारे कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक है या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, या सॉरी शेड्यूल्ड बैंक है आरआरबीज हैं या फिर वो क्या कहते हैं प्राइवेट बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, तो इन सबको ये मेंटेन करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक जो है अप्रोक्सीमेटली 87% बनाते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के एसेट्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनका 73% बैंकिंग एसेट है और 82% बैंक ब्रांचेस शेयर है। फॉरेन बैंक सिर्फ 6% बनाते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर का। तो ये यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया कि इंडिया में कितनी है बेसल थ्री के हिसाब से, 9% है, ठीक है। नाउ इश्यूज विद इंडियन बैंक, अब इंडिया बैंक में अभी पर्टेनिंग जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो यहाँ पे बस मैंने एक तरीके से पॉइंट वाइज में आपको बता दिया है कि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू है, दूसरा कैपिटल एक्विजिशन का इश्यू है कि कैपिटल उनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, लिक्विडिटी की दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा, फिर लिमिट मतलब लेंडिंग पे लिमिट है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है या फिर क्या कहते हैं आप सिर्फ इतने ही का ही लोन दे सकते हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ये इस टाइप की लिमिट्स है, ये भी एक इश्यू है। अर्जेंट नीड टू कंट्रोल दी बैड लोन्स, ये एक और नीड है, जो एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं ना पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक के, उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस
सिलेक्शन ऑफ बोरोअर्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड नॉट ऑन द रिलेशनशिप। अभी इंडिया में क्या होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते या फिर क्या कहते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का जो नेक्सस होता है उसके चलते ना जो क्या कहते हैं जो डिसीजन होते हैं कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है उसमें काफी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो बोरोअर्स का सिलेक्शन हो रहा है उसको भी हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये कुछ इश्यू है इंडियन बैंक के साथ अभी। तो इसीलिए अब क्या बोला जाता है कि और भी जो अभी हम इश्यूज ही की बात कर रहे थे और भी कुछ इश्यूज है, जैसे बैंक कंसोलिडेशन वाला एक इशू हो गया, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो या ग्लोबल लेवल पे देखो तो इंडिया के बैंक काफी पीछे हैं। मतलब जो इंडिया के जो बैंक है उनकी कोई रैंकिंग में ही नहीं आते, ना ही उनकी मार्केट डेप्थ इतनी है, ना ही उनका कैपिटल जो है वो इतना ज्यादा है कि वो कम्पीट कर पाए, ना ही उनका जो बिजनेस डायनामिक्स है या बिजनेस जो पोर्टफोलियो वो इतना ज्यादा इतना डाइवर्स हो कि वो कम्पीट कर पाए। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो बैंक कंसोलिडेट करने की जरूरत है। बैंक कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया, जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको मिला के बड़ा बैंक बना देना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली एसबीआई और एसबीआई के जो 5 रीजनल बैंक्स थे ना उनको मिला के एक बड़ा एसबीआई बैंक बना दिया। तो इसको बोलते हैं बैंक कंसोलिडेशन। प्रेशर ऑन यील्ड ऑन एसेट्स की जो एसेट्स हैं जो लोन्स हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है कि वो भाई वो अच्छे से रिटर्न प्रोवाइड करें। प्लस प्रेशर ऑन दी रिटर्न ऑन इक्विटी विल फेस डिक्लाइन इन अ शॉर्ट रन। अभी ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कॉर्पोरेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हुए हैं तो वो उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर मान लीजिए किसी इंसान को, अगर मैं मान लीजिए आज मैं शेयर खरीदता हूँ पीएनबी के, ठीक है, लेकिन अगर मुझे उतना फायदा ही नहीं होगा तो फिर मैं अगली बार से पीएनबी के क्या कहते हैं शेयर्स नहीं खरीदूंगा। तो इसीलिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी एक इशू है। प्लस यील्ड ऑन एसेट एक इशू हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी इशू हो गया। स्टेबिलिटी नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जो बैंक्स है उनको इंश्योर करना होता है कि जो एडिशनल टीयर वन और टीयर टू कैपिटल है उसको रिप्लेस करके हमें मतलब एक तरीके से बस देखो आपको इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो कैपिटल है उसको एडिक्वेटली मेंटेन करना है, दैट्स इट, ठीक है। प्लस जो अप्रोच आज के टाइम पे यूज की जाती है वन साइज फिट्स ऑल वाली वो अप्लाई नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच अपनाते हैं तो उससे क्या होता है फ्लो ऑफ मनी रिस्ट्रिक्ट होता है इकोनॉमी में, जबकि हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर पर्टेनिंग टू द इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसल से रिलेटेड कुछ कहानी जो आपको जानना काफी जरूरी थी। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट इश्यू है, दैट इज अबाउट द एनपीएस, ठीक है। तो जो हमारी इस बार की योजना है उसमें एनपीए के बारे में काफी रिग्रेसिवली बहुत ज्यादा कवरेज किया है। तो सबसे पहली बात तो एनपीए होता क्या है, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से एनपीए का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जिसने लोन लिया है अगर वो 90 दिन में ना ही अपना इंटरेस्ट देता है या फिर प्रिंसिपल जो उसने लोन का अमाउंट लिया है उसे रिटर्न नहीं करता है तो जो वो लोन होगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एसेट परफॉर्म नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है, डाउटफुल एसेट बन जाता है, और फिर उसके बाद वो स्ट्रेस्ड एसेट। ये एक तरीके से कैटेगराइजेशन है, ठीक है। आई होप जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मीन्स के लिए उनको ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज एन एनपीए। अब जो ये एनपीए की समस्या है वो उसके पीछे हमेशा ऐसा नहीं होता कि बस फोर्जरी या फिर फ्रॉड ही हो कोई, वो मतलब ऑनेस्टली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी बैंक से लोन लिया और कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब हो सकता है वो बिजनेस ना चले तो फिर मैं लोन तो वापस कर नहीं पाऊंगा, तो मैं जब मैं लोन वापस नहीं कर पाऊंगा तो वो लोन बन जाएगा एनपीए। तो अब ये इस केस में जो एनपीए हुआ है वो एक ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट डीड थी, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें मैंने कुछ फोर्जरी की हो। तो इसीलिए अब ऐसा बोला जाता है कि अगर ये जो एनपीए की प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करना भी काफी जरूरी है। अगर आज के टाइम पे हम एनपीए का अगर स्टॉक देखें कि क्या है एनपीए का मतलब साइज क्या है, तो आज के टाइम पे ऐसा बोला जाता है 9.85% है एनपीए। जो भी अभी आज के टाइम पे लोन दिया हुआ है ना उसका 9.85% जो लोन है वो एनपीए बन गया है, जो कि एक नंबर एक तरीके से देखा जाए हाईएस्ट है अमंग दी ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स का मतलब हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रियों के अमंग में इंडिया में सबसे ज्यादा है, और इंडिया इज रैंक 5th कंट्री इन दी हाईएस्ट एनपीए लेवल। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया 5वें नंबर पे आती है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनका एनपीए का अमाउंट अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में तो बहुत ही ज्यादा है 7.34 लाख करोड़ और प्राइवेट सेक्टर में है 1.38 लाख करोड़, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ फैक्ट के बारे में। उसके अलावा जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, ये फाइनेंशियल तो पहली बात तो याद रखना ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आरबीआई। ये साल में 2 बार आती है, ठीक है, 6 मतलब हाफ ईयरली आती है, जिसमें बताया जाता है कि जो बेसिक मेटल और सीमेंट इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा डेप्टेड है। उसके बाद
उसके बाद आती है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिनमें जिनकी वजह से सबसे ज्यादा एनपीए की समस्या हो रखी है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी वजह से एनपीए की प्रॉब्लम हो रखी है। अब जो जो रिकवरी होती है एनपीए की वो भी बहुत कम होती जा रही है पिछले 10 सालों में। और वो ऐसा क्यों होता जा रहा है, ड्यू टू दी इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो बैड लोन्स काफी बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत हो गई है। और इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2.11 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन फंड अनाउंस भी कर दिया। कितने का, 2.11 लाख करोड़ का फंड, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, पहला फास्ट एंड फ्यूरियस में क्या बोला जाता है कि जितनी रिक्वायर्ड ग्रोथ होनी चाहिए उसके लिए जो लोन लैंडिंग वाली प्रोसेस है वो काफी फास्टर है, तो उसमें क्या स्क्रूटनी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ड्यू डिलीजेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक इशू हो रहा है। उसके अलावा परस्यूट्स ऑफ इंफ्रा ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो लैंडिंग हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी की जा रही है, वो भी एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो वो काफी लंबे समय के लिए दे देते हैं लोन तो इनका पैसा फंस जाता है, दूसरी चीज कंसेशन पे देते हैं तो इतनी रिटर्न नहीं हो पाता है एसेट पे, तीसरी चीज क्या कहते हैं, ये डिफॉल्ट होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं इनके केसेस में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। टेंगल्ड पॉलिसी मेज, मतलब अब क्या है इसमें कि पॉलिसी कंफ्यूजन के चलते हुए प्लस इनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं है, डिले है गवर्नमेंट के डिसीजन में, तो उसकी वजह से भी एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट एंड द डील, मतलब यहाँ पे नेक्सस के बारे में बात की गई है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और पॉलिटिशियन के बीच में नेक्सस बना हुआ है, करप्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी एनपीएस काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके अलावा बैंक एंड द लूज एंड, मतलब इतनी स्किली नहीं है कि वो मॉनिटर कर सके कि जिनको लोन दिया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। हाई लेवरेजिंग, मतलब जिसकी जिस कंपनी की औकात है कि सिर्फ वो 2 लाख का ही बिजनेस कर सकते हैं वो भी लोन ले लेते हैं 10-10 करोड़ का, तो इस बेसिस पे इसको बोला जाता है हाई लेवरेजिंग। टू बिग टू फेल, मतलब ऐसी मेंटेलिटी आ गई है कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस में कि वो इतने बड़े हैं कि गवर्नमेंट उनको फेल नहीं होने देगी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे टाटा जैसे नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, अब टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, अगर ये फेल हो जाएगी तो पूरी इंडियन इकोनॉमी ही चरमरा जाएगी, तो अब वो ये सोचते हैं कि हम तो इतनी बड़ी कंपनी है कि गवर्नमेंट हमें फेल नहीं होने देगी। इस टाइप की ये जो थिंकिंग है ये यूएसए से आई है। यूएसए में क्या होता है, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट वहां पे फेल नहीं होने देती है, किसी भी बड़ी कंपनी को, और उनको लोन वगैरह एक्सटेंड करती है, तो ऐसी ही कुछ थिंकिंग इंडियन कंपनीज में भी आ गई है, पर वो फिर फाइनली फेल हो गए और इसकी वजह से एनपीए की प्रॉब्लम और बढ़ गई। पॉलिसी पैरालिसिस, जो पास्ट गवर्नमेंट थी यूपीए की गवर्नमेंट, उसमें क्या है, डिसीजंस या पॉलिसीज पे काफी असमंजस सी बनी हुई थी, तो जिसकी वजह से भी काफी एनपीए बढ़े। उसके अलावा रिजिड पॉलिसी मेकिंग, की जो पॉलिसी मेकिंग है वो इतनी ज्यादा रिजिड थी कि मतलब अगर मान लीजिए आज के टाइम पे अगर फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस बदल गए तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं ना, दे वर नॉट रेडी टू रिविजिट दी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं। मतलब अगर एक बार एग्रीमेंट हो गया, अब अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर मान लीजिए सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट रिविजिट नहीं करती है, तो इसी की वजह से भी काफी नुकसान होता है कॉर्पोरेट हाउसेस को, और उसकी वजह से वो लोग अपना लोन वापस नहीं कर पाते और एनपीए की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। उसके अलावा रिलक्टेंस ऑन दी पार्ट ऑफ बैंक, बैंक और बाकी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो, जैसे बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, S4A हो गया या फिर ज्वाइंट लैंडिंग फॉरम हो गया या सरफासी एक्ट हो गया, ठीक है, तो इनके तहत इनके पास पावर होती है कि ये जो भी इनका लोन है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये उसकी जो क्या कहते हैं एग्रीमेंट की जो डिटेल्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रिलक्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसमें उनको डर लगता है कि कहीं अगर वो कुछ ऐसा काम करेंगे, मान लो वो ऑनेस्टली भी करना चाह रहे होंगे, तो कोई उन्हें फंसा सकता है, तो ये भी एक दिक्कत है एनपीए बढ़ाने में। तो प्लीज आप ये सारे पॉइंट याद रखना कि एनपीए क्यों बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। तो अब इन एनपीए को ठीक करने के लिए कुछ स्कीम आई, जैसे 5x25, ज्वाइंट लैंडिंग फॉरम, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग, सॉरी स्कीम फॉर स्ट्रक्चरिंग फॉर सस्टेनेबल स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। S4 का मतलब हो गया इसमें 4 एस है और फिर ये है, तो S हो गया स्कीम फॉर स्ट्रक्चरिंग सस्टेनेबल स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे लोन है, अब लोन के ये इसमें 2 पार्ट बनाए जाते हैं, एक होता है सस्टेनेबल और दूसरा होता है अनसस्टेनेबल। जो सस्टेनेबल पार्ट होता है वो तो लोन की तरह ही रहता है, जो अनसस्टेनेबल पार्ट होता है लोन का, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया है, अब जो ये कंपनी है इसकी औकात है 4 लाख रुपए वापस करने की, क्योंकि उसकी जो कमाई हो रही है वो इतनी हो पा रही है कि वो 4 लाख रुपए दे सकता है अपने वापस, ठीक है। तो बाकी का जो 6 लाख है उसको बैंक क्या करते हैं, इसमें इक्विटी में चेंज कर देते हैं, मतलब एक तरीके से शेयर में चेंज कर देते हैं और फिर उसके बेसिस पे कमाई करते हैं। तो इस तरीके से ये
एक और तरीका हो गया। तो ये जो तरीके चलाए गए कि भाई जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया किया जा सके, पर ये सारे के सारे फेल हो गए। इसके अलावा भी आप और भी मैं बहुत सारे आपको स्कीम्स बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी क्या आया था, जैसे कि आपका इंसॉल्वेंसी वो वाला आया था, क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, ठीक है, तो इससे भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। या इससे पहले ये जैसे यहाँ पे मैंने तीन बता रखे, इससे पहले आया था सरफासी एक्ट आया था, है ना, फिर एडीआर मैकेनिज्म आया था, इसमें क्या होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी सॉरी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आया था, फिर ठीक है, और फिर इसके बाद एआरसीज आए थे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी आई थी। तो ये ऐसे कुछ बहुत सारे मेजर्स हैं जिनके थ्रू ये एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी, बट ये किसी ना किसी तरीके से फेल होते रहे। और बाकी आप अगर फर्दर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये जो एनपीए की प्रॉब्लम है इसके लिए आईएमएफ ने भी कुछ सजेशन दिया है। अगर आप अपना मेंस का आंसर लिखते हो और इस टाइप की सजेशन लिखते हो तो आपके मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि देखो जो हमें जो ये एनपीए की प्रॉब्लम है इसको हमें दो लेवल पे ठीक करना होगा, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे, एक तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करवाना पड़ेगा, प्लस जो एक्सपोजर है बैंक का उस पर कैप लगाना होगा कि मतलब वो कितना लोन किस टाइप की फील्ड में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को कितना दे सकते हैं उस पर कैप लगानी होगी, और उसके अलावा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी मेंटेन करवाना होगा। और माइक्रो लेवल पे ये करना चाहिए कि जो जो बैंक्स हैं उनके लिए स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहिए, ठीक है, कि वो कितना स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं, कितने ज्यादा यू नो अगर कितना एनपीए हो सकता है उसको बियर कर सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेट मैकेनिज्म होनी चाहिए सो दैट अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का अगर फ्रॉड हो जाता है, एनपीए आ जाता है, तो वो उसको काउंटर कर सकें, ठीक है, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म। सो दीज आर दी सजेशंस बाय दी आईएमएफ। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन हो सकते हैं एनपीए के लिए, जैसे कि उनको सेल्फ प्रोग्नोसिस करने की जरूरत है कि अगर ये इतने एनपीए बढ़ते जा रहे हैं तो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रोग्नोसिस, मतलब सेल्फ प्रोग्नोसिस करने की जरूरत है। दूसरा, अब दूसरी क्या चीज है कि जो ये अब जैसे आप बैंक है, बैंक क्या देता है, क्रेडिट्स देता है, ठीक है, लोन देता है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोन देना बंद कर दे, लेकिन जब वो अगर वो लोन दे भी रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर यू नो ड्यू डिलीजेंस के साथ दिया जाए, मतलब प्रॉपर कार्रवाई हो, प्रॉपर देख के वो अपना लोन फॉरवर्ड करें, ठीक है। सो दैट यानी एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि प्रोएक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए सो दैट वो इस चीज को ठीक कर सके। उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इंडिया में तो स्पेशली इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि इंडिया में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो इतना ज्यादा डीप नहीं है कि अभी बैंकिंग सेक्टर को यू नो मना कर दिया जाए कि वो क्रेडिट फॉरवर्ड ना करें। एक बार कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलप हो जाएगा इंडिया में तो फिर हो सकता है कि बैंक सेक्टर थोड़ा सा रिलीफ फील करेगा, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट को भी एक सेंट्रल रोल प्ले करने की जरूरत है इन मिटिगेटिंग द इकोनॉमिक एंड द सोशल डैमेजेस, ठीक है। प्लस क्राइसिस रेसोल्यूशन अप्रोच अपनानी होगी, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी सो दैट जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और क्या बोला जाता है कि जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है सो दैट इकोनॉमी एक तरीके से इनेबल हो जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव हो, अदरवाइज ये जो एनपीए की प्रॉब्लम है उसमें भी दिक्कत होगी और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान है वो एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसको जो फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है गवर्नमेंट उसके साथ साथ उन्हें कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट को भी डीप करना होगा सो दैट जो कॉर्पोरेट होते हैं जो बैंक पे रिलाय करते हैं वो कम से कम रिलाय करें, ठीक है। उसके अलावा गवर्नेंस स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करना होगा, इसको इंप्रूव करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल इंद्रधनुष प्लान आया था, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट बनाना होगा स्टेट ओन्ड बैंक के लिए सो दैट वो एक तो अपने आप से कैपिटल रेज कर सके, ठीक है, और उसके अलावा वो जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह उनके भी जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उनको दिए जाते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं गवर्नमेंट जो उनको यू नो प्रोवाइड करती है कि आपको ये काम अचीव करने हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट अचीव करने हैं, तो ये वो उसके लिए स्कीम्स खुद ही डिजाइन कर सके सो दैट वो बेटर वो रियलाइज कर सकती है कि किस तरीके के उन्हें बिजनेस को रन करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा एनपीए का बैकग्राउंड। अब जो बैकग्राउंड हमने देखा है उसी के साथ हम अपना आज का ये जो हमारा आर्टिकल है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो योजना में आया उसके बारे में देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा वो एक तरीके से इंजन ऑफ ग्रोथ है। अगर मान लीजिए बैंक्स नहीं होंगे तो ग्रोथ कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्यों अब ऐसा क्यों बोला जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, बिकॉज वो इकोनॉमी में जो मच रिक्वायर्ड कैपिटल होता है या फिर जो सेविंग्स होती हैं उनको वो चैनलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो क्रेडिट ग्रोथ है वो एक तरीके से रुक सी गई है,
और वो क्यों रुक रही है, क्योंकि एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एनपीए की बात करें तो मैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया पब्लिक प्लस प्राइवेट को मिला के देखा जाए तो 17 सितंबर में इसकी संख्या थी 8.40 लाख करोड़। अगर ये आपको नंबर एग्जैक्ट याद भी ना रहे तो आप अप्रोक्स में याद रखना कि जो इंडिया का एनपीए है वो 7-8 करोड़ के अराउंड है, या जो टोटल लोन अमाउंट है उसके 10% के अराउंड है, ठीक है। इस बढ़ते हुए एनपीए की वजह से क्रेडिट ग्रोथ रुक सी गई है, ठीक है, और स्पेशली ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो स्पेशली ये कब से हुआ, 2008 से होना शुरू हुआ है। तो अब अगर हम करंट स्टेट की बात करें, एक तो क्या हो रहा है कि कुछ इस टाइप के बोरोवर्स आ रहे हैं, मतलब जो कि डेलिबरेटली फॉल्ट हो रहे हैं, मतलब जो उनकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी भी नहीं है तभी उनको लोन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो एक्सेस कैपेसिटी, मतलब क्या कर रहे हैं, जो कंपनीज होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो लोन इस तरीके से ले रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि वो एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट कर लें सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हो। लेकिन क्या हो रहा है, उसके ये जो प्रैक्टिस है उनकी वो रॉन्ग प्रूव हो रही है, क्योंकि जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है या जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर कुछ अलग ही सीन है जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी डिले हो जाता है। जो रिसीवेबल्स है, रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स वॉज पुअर, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब आदमी अगर मान लीजिए लोन लेता है और वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो उससे रिकवर भी नहीं कर पाती है बैंक्स वगैरह, क्योंकि उनके पास इतने एसेट ही नहीं होते हैं पुअर लोगों के पास कि बैंक उनको बेच के अपना लोन रिकवर कर सके, तो ये भी एक और दिक्कत है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट मार्केट है वो अपना कैपिटल क्या कहते हैं इक्विटी या डेप्ट मार्केट से नहीं रेज कर पा रहे हैं, वो किस पर रिलाई कर रहे हैं, बैंकों पर रिलाई कर रहे हैं, तो ये भी एक और इशू हो गया। प्लस जो बिजनेस फेलियर बिकॉज ऑफ ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन, तो ये एक और इशू हो गया कि जो बिजनेस का फेलियर हो रहा है ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हम तो यार चलो 100 कार बनाते हैं ये 100 की 100 कार बिक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, तो ये ओवर ऑप्टिमिस्टिकली वो डिजाइन कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप हो सकता है कि ये रिपीट हो रहे हो, ठीक है, और वो डेलिबरेटली मैं रिपीट कर रहा हूँ सो देट ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और वैसे भी मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है। उसके अलावा जो फंड है उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं उस पर्पस पे खर्च नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं या फंड को साइफन ऑफ कर रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, प्लस लैक ऑफ स्किल ऑन दी पार्ट ऑफ दी बैंक। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर क्रिएटिंग दी और विच आर यू नो एक्सर्वेटिव यू नो विच आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम फर्दर इन लास्ट। तो अब वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है कि जो बिल्कुल डिफॉल्ट है उसको एक तो सबसे पहले बात सीरियस क्राइम बनाया जाए, जैसे कि कुछ कंट्रियों में होता है अगर कोई विलफुली डिफॉल्ट करता है ना तो उसको एक सीरियस क्राइम माना जाता है, लेकिन अभी इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा बोला गया है कि जो विलफुल डिफॉल्ट करते हैं उसको सीरियस क्राइम माना जाए, और सो दैट जो ये एक तरीके से डेटरेंस का काम करेगा, जो बाकी के लोग अगर ऐसा कुछ करने का सोचेंगे तो भी ना कर पाए वो लोग, ठीक है। उसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट कराने की जरूरत है कि फॉरेंसिक ऑडिट से क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपका ऑडिट करती है तो उससे हमें ये पता चलेगा जो बैंक के प्रमोटर्स हैं, चेयरमैन हैं या फिर बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो फंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बिग डेटा एनालिटिक्स की भी यूज करने की जरूरत है, आईटी बेस्ड सॉल्यूशन लाने की जरूरत है सो दैट जो बोरोअर या बिजनेसमैन होते हैं ना उनको प्रॉपरली चेक किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करते हो तो आप फ्यूचर में होने वाले डिफेक्ट्स डिफॉल्ट को ना प्रेडिक्ट कर पाओगे एडवांस में, सो दैट एक तरीके से एनपीए कम से कम होगा। प्लस जो एचआर पॉलिसीज होती हैं उनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द यंग वर्कफोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा उनकी स्किल्स अपग्रेड हो जाएंगी। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एज वेल एज डीआरटीज जो हैं उनकी बेंचेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे जितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना उससे डील करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। तो यानी एक तो इनकी कैपेसिटी को एनहेंस करना होगा, प्लस जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा सो दैट जो ये वर्कलोड बढ़ता जा रहा है उसको ठीक किया जा सके। तो ये कुछ है मेजर्स जैसे कि इसको ठीक किया जा सकता है एनपीए की प्रॉब्लम को। तो क्या क्या है एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक तो सीरियस क्राइम बना दो बिल्कुल डिफॉल्ट को, फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ, आईटी बेस्ड सॉल्यूशन लेके आओ, बिग डेटा एनालिटिक्स की यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, एचआर पॉलिसी को फाइन ट्यून करो, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डीआरटीज को भी क्या कहते हैं स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसी आर्टिकल के बेसिस पे जो मैंने आपको अभी पढ़ाया आपको इसके ऊपर कुछ आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, रीस्ट्रक्चर एसेट होते हैं, रिटर्न ऑफ एसेट्स होते हैं, इन सबको मिला के बोला जाता है स्ट्रेस्ड एसेट। तो ये जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं वो आज इंडियन इकोनॉमी के लिए मेजर चैलेंज बन गए हैं। तो इसके क्या रीजन है, पहले तो आपको रीजन बताने हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, और फिर उनसे लड़ने के लिए कुछ मेजर्स बताने हैं। इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, नाउ यू कैन राइट वेरी गुड आंसर ऑन इट। तो आप इसको लिखिए और मुझे यू नो फॉरवर्ड कीजिए। आप या तो ये आंसर अपने फ्रेंड से चेक करवा सकते हैं, अपने मेंटोर से ठीक करवा सकते हैं, या आप मुझे भी चेक भेज सकते हैं, मैं आपको इसकी जो भी यू नो रिव्यू करके आपको सेंड कर दूंगा।
उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इश्यूज कंसीडर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिदरटू डिलेड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनका स्पीडली रेजोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? लैक ऑफ बैंकर्स कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू सेल डिस्ट्रेस्ड एसेट, क्या ये बात है? हाँ बिल्कुल है ये बात तो यार। दूसरी बात क्या है, इट वॉज ओनली रिसेंटली दैट रेगुलेटरी चेंजेस वर मेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस प्रमोटर डिलेइंग रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या ये अभी रिसेंट फिनोमेना है? नहीं भाई, ये तो बहुत पहले से है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फेसेस इट सीवियर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, हाँ तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3। अब आगे चलते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं इंक्लूड एसेट, तो जो ग्रॉस एनपीए होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आपके फॉरेन बैंक्स के एनपीए आते हैं, हाँ आते हैं। रीजनल रूरल बैंक के आते हैं, हाँ आते हैं। फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के आते हैं, हाँ आते हैं। तो एनी ऑल द थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 इज और आर करेक्ट? पहली बात, इस कोड में एक टाइम बाउंड एक क्राइटेरिया है कि मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही किसी भी बैंक का जो इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन करना होगा, तो ये जो टाइम लिमिट है वो कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। हाँ बिल्कुल है भाई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल एडजुडिकेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन केसेस फॉर कंपनीज, वाइल डीआरटी जो काम करेगी वो इंडिविजुअल के लिए करेगी। तो इसमें यह बताया गया कि जो एनसीएलटी है वो इंसॉल्वेंसी के केसेस देखेगी कंपनीज के, और जो क्या कहते हैं डीआरटीज है वो देखेगी इंडिविजुअल्स के। तो क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए ये एक नेक्स्ट आर्टिकल है, ये मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया, नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो सबसे पहले तो स्टैटिक्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो ऐसा बोला जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, मतलब जो बैंक द्वारा से क्रेडिट दिया जाता है ना, बैंक हो गए, आरआरबी हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो जितने भी ये फॉर्मल इंटरमीडियरीज हैं इनका जो क्रेडिट है फार्मर्स के लिए वो कम होता जा रहा है। अगर आप कंपेयर करो 1991 से 2012 में, तो ये परसेंटेज वाइज कम हो रहा है। देखो आप इस चीज पे ध्यान देना, परसेंटेज वाइज डिस्पाइट ये कम हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू में देखो तो ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, वरना लोग आगे कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो फार्मर का डिपेंडेंस है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे, मतलब जो साहूकार वगैरह होते हैं, लेनदार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाले जो जितने भी लोग होते हैं ना, उनपे फार्मर का डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, अगर आप 1991 से 2012 का सिनेरियो कंपेयर करते हो। प्लस नेशनल सैंपल सर्वे का जो 17वां राउंड था उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं उनमें कमर्शियल बैंक जो है उसका शेयर कितना है एग्रीकल्चर में, वो हाईएस्ट है 20.1%, कोऑपरेटिव का 24.8%। तो आपको ये दिख सकता है कि वो कितना कम है, यू नो, मतलब सिर्फ वो इतना सा ही उनका शेयर है, जबकि ये शेयर ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सिर्फ उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के नाम पे कितना 2.2% ही मिलता है। अगर मान लीजिए बैंक वगैरह को हम मान ले एक एंटिटी है बैंक नाम की जो 100 रुपए की उधारी दे रही है मार्केट में, तो उसमें से सिर्फ 2.2 रुपीज किसको मिलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी है, एम्बिगुइटी है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, जो कि यू नो वो अभी तक पुअर बोरोअर्स को 24 से 34% तक चार्ज कर रही है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब वो अगर 100 रुपए का लोन देती हैं तो उसमें 24 रुपए चार्ज करती हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए बैंक जो गवर्नमेंट है वो मुद्रा योजना लेके आई थी, राइट। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो पूछ सकते हैं मुझसे बाद में, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक्स हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग की जरूरत है। नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक होता है फॉर्मल ब्रिक मोर्टार वाली बैंकिंग होती है कि जिसमें क्या होता है आप अपना ब्रांच बनाते हो और फिर सारी लेंडिंग सर्विसेज देते हो, पर इसमें क्या होता है इसके खर्चे काफी होते हैं, तो जिसकी वजह से एक तो पता है वो सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी कम मिलता है, और जो लोन वगैरह मिलता है वो भी काफी महंगा मिलता है। तो यानी अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज तो खराब है। तो यानी या तो हमें बैंकिंग करस्पॉन्डेंट टाइप की टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए, या फिर क्या लेके आना चाहिए, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है 2006 से इंडिया में ये मॉडल चल रहा है, या फिर हमें स्पेशलाइज्ड बैंक लेके आने चाहिए जैसे कि पेमेंट बैंक हो गए, या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक्स लेके आने चाहिए जो कि सिर्फ पर्टिकुलर ही टाइप का काम करें। तो इस टाइप की इंडिया में जरूरत है, इसी को बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग में आगे चलने से पहले हम देखेंगे जो अभी हमारा कन्वेंशनल बैंक है उसमें क्या इश्यूज है। अभी जो हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो है सप्लाई ड्रिवन, मतलब जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो ये नहीं देखते कि पुअर की क्या डिमांड है या लोगों की क्या डिमांड है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो अब ये जो है सप्लाई ड्रिवन है तो इसकी भी कुछ दिक्कतें होती हैं। पहली बात ये देखिए, अगर फाइनेंस अवेलेबल भी है तो भले ही ये एक तरीका है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी आउटकम चाहते हो, आप चाहते हो इंडिया जो है वो पॉवर्टी फ्री हो जाए,
तो वो ये बोला है कि सिर्फ पैसा होना अपने आप में एंड नहीं है, एंड ये सिर्फ एक तरीका है कि अगर हम पैसा प्रोवाइड कर देंगे तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा एंड गोल क्या है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप करे, उन्हें एजुकेशन मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, है ना, उनको वो एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको स्किल्स मिले। तो वो ऐसा बोला जाता है कि जो फाइनेंस है वो अपने आप में एक मीन्स है, इट इज नॉट एन एंड। तो फिर क्या हो, अल्टीमेट एंड क्या है हमारा, कि उनके पास एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे सो दैट वो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिमांड कर सके। एक बार अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप बोलोगे कि भैया मुझे एटीएम कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, है ना, या फिर मुझे कोई और भी सर्विसेज चाहिए, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो तभी तो आप ये सारी चीजें करोगे, होगा। तो वो ये बोले हैं कि क्या कहते हैं, जब ऐसा होगा, डिमांड ड्रिवन चीजें होंगी, तब जाके बैंक का पेनिट्रेशन काफी बढ़ पाएगा, ठीक है। तो जो सप्लाई ड्रिवन फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काम नहीं कर सकता इंडिया में। जैसे सप्लाई ड्रिवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी, उसमें क्या है, लोगों को अकाउंट खोल दिए गए, तो ऐसा बोला जाता है ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सप्लाई ड्रिवन है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर काम करे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया जाए गरीबों को, और उसके बाद फिर वो डिमांड करेंगे, उसके बेसिस पे उनको चीजें क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाए। तो जैसे कि अब ऐसा बोला जाता है कि आरबीआई ने बैंकों को बोला कि उनको अपनी ब्रांच खोलनी होगी हर एक गांव में, हर एक गांव, जिस गांव की कितनी पॉपुलेशन है वो 2000 या 2000 से ज्यादा, ठीक है, आरबीआई ने तो बोल दी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर हमें पता है 2011 सेंसिस से पता चलता है कि इंडिया के जो 96% गांव है उनकी जनसंख्या 1000 लोगों से कम है। तो बताओ ये जो 96% गांव है वहां पे तो बैंक ब्रांच खुल ही नहीं पाएगी, तो ये एक और दिक्कत है, समझ रहे हो। तो अब इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग में मॉडल आया बीसी मॉडल, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट में क्या होता है कि एक आदमी होता है जो विलेज लेवल पे रहता है, और वो क्या करता है, वही वहां पे वहां पे एक तरीके से अकाउंट खोलता है, वहां पे उनको क्या कहते हैं उनके जो पैसे होते हैं उनका डिपॉजिट लेता है, प्लस उनको रुपए ट्रांसफर करता है, रेमिटेंसेस के भी काम वही करता है, प्लस उनको वो अगर मान लीजिए कोई लोन वगैरह उनका होगा, सेंक्शन होगा, तो रुपए उनको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ये मॉडल है 2006 से आया था, ये भले ही टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है और इसने काफी मदद भी की थी जनधन अकाउंट खोलने में, लेकिन फिर क्या हुआ, ये बेसिक सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, इनकी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, ये जो बीसी मॉडल है वो इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन कंपनीज के लिए तो अच्छे से काम कर पाया है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में फेल हो गया है। क्यों हो गया है, पहली दिक्कत तो इसकी ये है, देखो जो ये इनकी लेंडिंग एक्टिविटी है वो जो बैंकिंग एक्टिविटीज होती है ना उसका बहुत नेग्लिजिबल पोर्शन है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की बैंकिंग हो रही होगी तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट 1% ही बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत ही कम अमाउंट है। दूसरी बात, ये जो इनकी जो एक्टिविटीज है वो लिमिटेड है कि सिर्फ आप नए अकाउंट खोल सकते हो, उसके अलावा इनको और कोई सर्विसेज नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब जो नए अकाउंट खोले थे तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, इनकी एग्जॉस्ट हो गई, तो अब ये यूजलेस टाइप के हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो विड्रॉल और डिपॉजिट की स्कीम्स होती हैं, उसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, रेमिटेंस प्रोवाइड करना और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करना। तो यानी ऑल इन वन टाइप का मॉडल है ये। तो इसमें क्या होता है, या तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ये सारे काम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वर्कलोड की वजह से, या फिर वो उन काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते, उनको वो काम स्किल्स ही नहीं है उनके पास, तो ये भी एक और दिक्कत है। प्लस जो वो कैश को हैंडल करते हैं वो भी काफी रिस्की होता है, क्योंकि इसलिए रिस्की होता है और स्पेशली कहाँ पे रिस्की होता है, जहाँ पे बैंक की ब्रांचेस काफी दूर है, ठीक है। तो और प्लस इनके पास लिमिटेड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, तो जिसकी वजह से भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ, ठीक है, कि एक तो वो कितना वॉल्यूम टैकल कर रहे हैं, उसके अलावा जो उनको जो लिमिटेशन है उनके ऊपर है उनकी एक्टिविटीज पे, प्लस उसके अलावा जो ऑल इन वन है, तो या तो वो वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के साथ, और कैश को हैंडल करने में भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो बे फॉरवर्ड में ऐसा बोला जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल करो, और पूल करने के बाद इस तरीके की कोई स्कीम डिजाइन करो कि जितने भी हमारे जो मासेस हैं उनके पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आ सके, ठीक है, सो दैट अगर एक बार उनके पास कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होगी तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रूली हो पाएगा, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा वो डिमांड ड्रिवन होगा इंस्टेड ऑफ सप्लाई ड्रिवन, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की जरूरत है लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो किसके थ्रू किया जा सकता है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो रेगुलेशन बनाए सो दैट जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है उनके रेमुनरेशन, मतलब उनकी सैलरी, उनकी जो कमीशन है उसको रेगुलेट किया जा सके, और वो इतना कर दिया जा सके कि वो हमेशा एक्टिव रहे,
प्लस एक और जरूरत है कि जो अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में 1000 जनधन अकाउंट्स हैं तो वहां पे एक फिजिकल ब्रांच खोली जाए, ठीक है, वहां पे एक फिजिकल ब्रांच खोली जाए सो दैट जो कैश हैंडलिंग वगैरह का इशू है वो भी सॉल्व किया जा सके। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग है इसको इसमें चार पॉइंट सजेस्ट किए जाते हैं जिनको 4D से आपको याद रखना है। 4D यानी 4D वाला इसमें बताया, पहली बात तो है डेवलपमेंट यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा और क्या कहते हैं की सेक्टोरल रिफॉर्म। डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट में आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ, लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाओ, है ना, उनकी उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओ सो दैट फिर उसके बाद वो क्या होगा जो वो बैंकिंग फैसिलिटीज को डिमांड करेंगे, बैंकिंग सर्विस को डिमांड करेंगे, उसके बाद ही जाके क्या होगा ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा, ठीक है। दूसरा डी क्या कहता है, डीरेगुलेशन, मतलब जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को जरूरी है कि इस तरीके से पॉलिसी फ्रेम किए जाएं कि जितनी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, ठीक है, एक इसको बोलते हैं डीरेगुलेट करना, ठीक है। और डेमोग्राफिक्स में ये है कि जो मार्केट है वो डोमिनेट की जा रही है आज के टाइम पे यंग और डिजिटली इक्विप्ड पॉपुलेशन से, तो इसीलिए अब सरकार को जरूरी है कि जो वो बैंकिंग से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं उसमें डेमोग्राफ को भी एनालाइज करें। मतलब डेमोग्राफी का मतलब होता है जो जनता है वहां की किस टाइप की जनता है, जैसे इंडिया की जो जनता है वो यंग है काफी और वो डिजिटली इंपावर्ड है, तो यानी इस टाइप की कोई बैंकिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है जो कि इनके जो नीड्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके। और डिसरप्शन की जरूरत है, जो हमारा कन्वेंशनल ब्रिक और मोर्टार वाला मॉडल है उसको बदल के डिजिटाइजेशन लाने की जरूरत है, बैंकिंग टेलीकॉम और फाइनेंशियल स्पेस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सो आप बता सकते हो ये चार तरीके हैं जिनके बाद बैंकिंग सेक्टर में ट्रू रिफॉर्म आ सकता है। 4D, ये 4D क्या है, डेवलपमेंट, डीरेगुलेशन, डेमोग्राफिक और डिसरप्शन। अच्छा अगर हम बात करें जैसे हमने अभी बात की डिजिटाइजेशन, तो डिजिटाइजेशन की क्यों जरूरत है, एक तो कंज्यूमर बिहेवियर काफी तेजी से बदल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी स्पीडी होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में बहुत हेल्प मिलेगी, प्लस स्मार्टफोन की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है तो इसी को लेवरेज करने की जरूरत है, मोबाइल पेनिट्रेशन आज के लेवल टाइम पे काफी ज्यादा है, प्लस साइबर सिक्योर आर्किटेक्चर जो है वो भी उसकी भी जरूरत है, ठीक है। तो अब उसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग है उसमें हमें बिग डेटा एनालिसिस को इंक्लूड करने की जरूरत है, उससे क्या फायदा होगा, एक तो कस्टमर इंसाइट कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज किया जा सकता है, चैनल एग्जीक्यूशन मतलब हम ये देख सकते हैं कि किस चैनल से ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका है कि आप ब्रांच खोल रहे हो, दूसरा तरीका है आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल वाला यूज कर रहे हो, तीसरा है आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक तरीके से इसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन से चैनल के थ्रू हमें अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करना है। बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्लान किया जा सकता है अगर हम लोग बिग डेटा एनालिसिस का यूज करते हैं, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, प्लस मार्केट को डेवलप किया जा सकता है, मार्केट डेप्थ बढ़ाई जा सकती है, प्लस कैंपेन रन किए जा सकते हैं, अवेयरनेस इंक्रीज की जा सकती है। तो आपको ये 6 पॉइंट पता होने चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ बिग डेटा एनालिसिस इज हेल्पफुल इन रिफॉर्मिंग द बैंकिंग सेक्टर, और हाउ या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प बैंकिंग सेक्टर टू इवॉल्व, है ना। तो आप ये बता सकते हो कि बिग डेटा एनालिसिस का यूज किया जा सकता है और उससे क्या फायदा होगा, कस्टमर इनसाइट, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, चैनल एग्जीक्यूशन, बिजनेस स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ठीक है। ये यहां पे इंफोग्राफिक के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है, तो आप अपने आप इसको देख सकते हो, ठीक है। प्रोबेबली ये जो आपके जो फ्लो चार्ट्स होते हैं अगर आप ये इनको अपने एग्जाम या पेपर में बनाते हैं ड्रॉ करते हो तो आपके मार्क्स यू नो इंक्रीज ज्यादा आने की जरूरत है, ज्यादा आ सकती है, ठीक है। अच्छा प्लस इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या है अभी आज के टाइम पे, तो एक तो क्या होता है सिस्टम इंटरऑपरेटेबिलिटी होने की वजह से क्या होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, प्लस आपकी ब्रांड या रेपुटेशन को भी डैमेज पहुंचाया जा सकता है, प्लस फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको भी चोरी किया जा सकता है, तो दीज आर सर्टेन साइबर सिक्योरिटी रिस्क। डिजिटल बैंकिंग जो होती है उसके कुछ फायदे होते हैं, ठीक है, ऑफर्स दी बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया रियल वर्ल्ड और एक हो गया डिजिटल वर्ल्ड। तो पहली बात तो फेयर प्राइसेस को ऑफर किया जा सकता है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेटिबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, उसके अलावा इमीडिएट और हाई क्वालिटी इंटरेक्शन पॉसिबल है, फास्ट एंड सिक्योर प्रोसेसिंग पॉसिबल है, और बहुत सारा स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप लीन कर सकते हो, ठीक है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको लीन कर सकते हो, गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर सकते हो और रेवेन्यू मॉडल को इनहेंस कर सकते हो। तो आप इस वाले फ्लो चार्ट को याद रख सकते हो कि डिजिटल बैंकिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, ये 8 फायदे हैं, ठीक है, क्या, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेटिबिलिटी, इंटरेक्शन, फास्ट एंड सिक्योर प्रोसेसिंग,
बहुत सारी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लीन बनाया जा सकता है। लीन का मतलब होता है और कम और मतलब और ज्यादा एफिशिएंट और बहुत ज्यादा कम से कम, जैसे अभी क्या होगा 100 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो उसकी जगह से 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो ये होता है लीन। फिर स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है रेवेन्यू मॉडल को। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने जो अभी मैंने आपके लिए बैकग्राउंड क्रिएट किया है, इसी बैकग्राउंड में या इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम ये नया आर्टिकल देखते हैं जो है फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो सप्लाई ड्रिवन है, जबकि होना क्या चाहिए, डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना सारे सेक्शंस को, ठीक है, स्पेशली जनरल और उसके सॉरी जनरल वाली जो पॉपुलेशन है उसको तो प्रोवाइड करोगे करोगे, बट स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस को। वल्नरेबल में कौन कौन आता है, जैसे वुमेन हो गई, ट्राइबल्स हो गए, है ना, या फिर और भी जो आपका SC/ST हो गए, तो उन सबको ये वाली जो सर्विसेज है प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कॉस्ट पे फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो लोगों की जिंदगी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, और वो बैंकिंग फाइनेंस को एक्सेस कर सके और अपनी इनकम को स्टेबल बना सके। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इंडिया एक तरीके से पाइनियर है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। पाइनियर का मतलब होता है प्रथम है, सबसे आगे है, बढ़ के है। ये कैसे, तो ये हमें ऐसे पता चलता है, सबसे पहले 1904 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ आया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाए गए थे, मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव बना दी जाती हैं और उसके थ्रू लोगों को लोन वगैरह दिया जाता था, तो ये भी एक तरीका था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। दूसरा फिर कब हुआ, जब नेशनलाइजेशन किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तीसरी बार कब हुआ ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स लेके आई सरकार। इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो ये सेक्टर ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये कुछ सेक्टर्स हैं आपको इनको इतना आपकी जो भी आप लोन दे रहे हो उसका इतना पोर्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे कि 40% है अभी, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया तीसरा तरीका फाइनेंशियल इंक्लूजन का। उसके बाद क्या किया गया, RBI और NABARD ने मिलके कुछ ऐसे एफर्ट डाले जिसकी वजह से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हर एक सेक्शन के पास पहुंच सके, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव या BC इनिशिएटिव जो 2006 में आया था, ठीक है ना। फिर उसके अलावा RRBs खोले गए, रीजनल रूरल बैंक, और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो कि NABARD का एक प्रोग्राम है उसको रन किया गया, ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में और भी कुछ किया गया RBI के द्वारा, जैसे कि जो KYC होता है ना, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इनको सिंप्लीफाई किया गया। नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेके आया, मतलब जिसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, तो नो फ्रिल अकाउंट का भी तरीका लेके आया। तो आपके ऊपर अगर मान लीजिए अभी यहां से कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इनलिस्ट द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनलिस्ट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन और व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप उसमें एक तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये कोई नया फिनोमेना नहीं है इंडिया के लिए, इंडिया इज अ पायनियर इन दिस डायरेक्शन, और स्टार्ट होता ही है जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से, और तब से लेके आज तक इतने सारे कुछ काम किए जा चुके हैं, ठीक है। ये तो अभी तक मैंने अभी वाले बताए, और अभी और रिसेंट में अगर आप देखना चाहो तो जैसे GST आया तो उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन ही होगा, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया, या फिर उसके अलावा ये आपके जनधन अकाउंट्स खोले गए, या जेम ट्रिनिटी वाला मेथड है, तो ये भी सारे क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही मेथड्स हैं। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एंड रोल ऑफ मनी लेंडर, अब ऐसा बोला जाता है कि जो एफर्ट गवर्नमेंट या RBI ने लिए हैं ब्रांच एक्सपेंशन के लिए, उसके बावजूद भी जो मनी लेंडर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में अभी भी कामयाब है, मतलब अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बैंक ब्रांचेस बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले RBI ने एक रेगुलेशन इनेक्ट किया था, क्या था कि हर बैंक को अपनी एक मतलब हर एक गांव में ब्रांच होनी चाहिए, एक बैंक ब्रांच होनी चाहिए जिस भी गांव की जनसंख्या जो है 2000 तक है, ठीक है। लेकिन हमें 96 हमें ये पता चलता है जो 2011 का सेंसस था, जो इंडिया के 96% गांव हैं उनकी जनसंख्या तो बस 1000 तक ही सीमित है, लिमिटेड 2000, तो यानी फिर यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत कम बैंक ब्रांचेस हैं, और अगर हैं भी तो वो काफी दूर हैं, तो इसीलिए मनी लेंडर आज भी एक्टिव हैं। तो अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई। उसके अलावा अब ये यहाँ पे सक्सेस स्टोरी दी हुई है कि दिसंबर 2017 आते आते प्रधानमंत्री जनधन योजना में 30.7 करोड़ अकाउंट्स ओपन किए गए अंडर दिस स्कीम, और 23 करोड़ कम से कम रुपए क्रेडिट कार्ड दिए गए। जो बैंक नेटवर्क है वो एकदम काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ रूरल एरिया में स्पेशली,
और क्या कहते हैं, लेकिन जो इसकी ग्रोथ रेट थी वो काफी ज्यादा हायर थी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरिया में। पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे बैंकिंग सर्विसेज में, स्पेशली अनबैंक्ड एरियाज में। ठीक है, जो क्रेडिट ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें कमर्शियल बैंक ज्यादा सक्सेसफुल हैं देन आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मुद्रा योजना लेके आए सो दैट माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। अब जो ये क्रेडिट है मतलब लोन देने का तरीका है, इसमें कुछ इनोवेशंस भी लेके आए, जैसे कमर्शियल बैंक ने कुछ अल्टरनेटिव रन किए जैसे मोबाइल वैन लेके आए, बैंकिंग कियोस्क उन्होंने लगाए, बैंकिंग करस्पोंडेंट को यूज किया। तो ये सारे क्या है, हमारे फोर्थ जनरेशन के तरीके हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन बैंकिंग के, तो इसकी वजह से क्या हुआ जब उन्होंने ये मॉडल यूज किया तो एक तो ये हुआ बैंकिंग काफी कन्वीनियंट हो गई और काफी सेविंग भी हुई ट्रांजैक्शंस में। उसके अलावा जो बैंकिंग आउटलेट नहीं भी है कहीं पे रिमोट एरियाज या स्लम्स में तो वहां पे भी बैंक का पेनिट्रेशन काफी इंक्रीज हुआ। लेकिन अब कुछ इश्यूज हैं। पहली बात तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है किसको, डिसेबल्ड लोगों को, क्योंकि अभी भी जो डिसेबल्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा डिसेबल्ड इंसान होता है या दिव्यांगजन होता है, अगर वो बैंक में जाता है तो उसको अपने साथ किसी उसके एल्डर को, रिलेटिव को या जो भी उसका ख्याल रख रहा है उसको लेके जाना पड़ेगा, मतलब केयर टेकर को लेके जाना होता है, तभी जाके वो वहां पे सर्विस अपील कर सकता है। दूसरी बात, आरबीआई को जैसे आरबीआई ने डायरेक्टिव्स दिए थे जितने भी एटीएम्स या बैंक ब्रांचेस हैं उनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है, बट वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये भी एक और इशू है, टेक्नोलॉजिकल इशू है कि जो जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन हो जाता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होता है और वो फिर इनफॉर्मल बैंकिंग की तरफ जाते हैं, तो इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। उसके अलावा बायोमेट्रिक इनेबल्ड करने की जरूरत, मल्टीलिंगुअल बनाने की जरूरत, ये सारी कुछ जरूरत है सो दैट जो लोग होंगे गाँव के लोग होंगे स्पेशली उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो ये कुछ इशूज है जिनको अभी टैकल करने की जरूरत है। क्या क्या, एक डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल जो हिचेस आते रहते हैं या इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, और तीसरा जो कॉन्फिडेंस है लोगों का स्पेशली जो इलिटरेट और रूरल गांव के एरिया में रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की जरूरत है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। उसके अलावा क्या हो गया, जो स्कीम्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है उनको भी क्या है वो वन साइज फिट ऑल वाली स्ट्रेटेजी के संग डिसाइड नहीं करना चाहिए, उनको डिसाइड करना चाहिए मतलब एकदम एडहॉक, मतलब एकदम स्पेशलाइज्ड वर्जन में, कि उनमें इतनी जो स्कीम्स हैं वो इस तरीके की फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जिस रीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको उस टाइप की स्कीम्स प्रोवाइड की जा सके। उसके अलावा नाबार्ड जो है उसको भी अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इन रूरल एरियाज में, मतलब नाबार्ड जो नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है इसको क्या काफी ज्यादा नॉलेज है रूरल एरियाज की, तो इसी को ही अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है सो दैट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काफी हो सके। फाइनेंशियल लिटरेसी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो लिटरेचर या मटेरियल है उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है सो दैट जो भी अनबैंक्ड है उनको बैंक किया जा सके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें हमने देखा फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इश्यूज, फिर उनसे रिलेटेड हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि अभी भी और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। देखिए, आप ये आंसर्स रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आप ये काम करते हैं तो आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर लिखने के बाद आप या तो इनको क्रॉस चेक करवा सकते हो अपने दोस्तों से या फिर अपने मेंटर से या फिर मुझसे, मैं आपके इन आंसर्स को रिव्यू करूंगा और आपको फॉरवर्ड करूंगा सो दैट आपको पता चलेगा कि आपकी क्या खामियां हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दी फ्रंट रनर फॉर दी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड नीड टू बी फाइनेंस्ड वेल देमसेल्फ। आपको इस बात पे कमेंट करना है, क्या ये बात, मतलब आपको इस चीज को बताना है, फर्दर करना है, तो इस पे कमेंट करना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस। What do you understand by financial literacy? से आप क्या समझते हैं? It is said that India needs to work on financial literacy now more than ever. Examine why. तीसरा क्वेश्चन है, analyze the recent government initiative to promote the financial inclusion for its citizen. आपको मतलब जो government ने अभी initiative या efforts लिए हैं financial inclusion को के लिए उनको analyze करना है। Just आपको enlist नहीं करना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया या फिर आपने बोल दिया कि क्या कहते हैं ये अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आई है सरकार या फिर आप मुद्रा योजना हो गई।
तो सिर्फ आपको सिर्फ ये नाम नहीं लिखने हैं, आपको इनको एनालाइज भी करना है, हाउ मच दे आर सक्सेसफुल, राइट, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको ये भी बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो जैसे लास्ट में हमने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी, नाबार्ड का रोल, फाइनेंशियल स्कीम्स, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके दोस्तों पूछ सकते हो, प्लस अगर आपको लगा कि इस लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो आप प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको अगर कहीं पे कोई इशू आता है, डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, प्लस अगर आप इस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये इतने वैल्यूएबल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप चाहते हैं ये जो आपसे ये काम की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्लस हमेशा की तरह मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डू शेयर दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कलीग्स, सो दैट उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।